हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मर बैरड में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम नींबू के पौधे के बारे में बताएंगे, नींबू के पौधे में क्या खाद डालें, कब उसकी सिंचाई करें, क्या क्या खाद डालनी चाहिए और कैसे कटिंग करें उसके बारे में बताएंगे। ये जैसे हमारा नींबू का पौधा है तो इसमें आप जितना नींबू का पौधा अंदर से खुला रखोगे उतनी अच्छी इसकी टहनियाँ निकलती है और ये बढ़वार उतनी अच्छी करता है। ये हमारे काफ़ी पुराना नींबू का पौधा है तो अभी इसमें फूल आने का समय हो रहा है क्योंकि ये बारहमासी मतलब 12 महीने इसके फूल और फल आते रहते हैं। तो अभी इसको वापस फल लगने के टाइम आ गया है और अभी भी इसके ऊपर पुराने फल लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन से और कहाँ कहाँ भी है पुराने फल। ये देखिए, ये अभी इस पर पुराने फल भी लगे हुए हैं तो अभी तक इसमें पुराने फल हटे नहीं है और नए फूल भी आना लग गए हैं। तो हम किस प्रकार नींबू के पौधे की अच्छे से केयर करें, उसकी सेवा करें ताकि हमें नींबू बहुत अच्छे से लगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसकी सिंचाई वगैरह, उसमें क्या क्या खाद डालें और खाद कैसे डालें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, नींबू अभी तक इसके ऊपर लगे हुए हैं और नए फूल भी बहुत ज़ोरों के साथ आ रहे हैं। तो अभी इसमें हम क्या खाद डालें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए आप, अंदर से इसकी हमने कटिंग भी करी है नींबू के पौधे की, जो पुरानी टाहनियाँ टहनियाँ थी तो उनको हमने कट भी किया है, कोई रोग ग्रसित टहनियाँ थी उनको भी कट किया है। ये देखिए, और नीचे से वाटर सूट निकलने वाले उनको भी हमने हटाया है और इसको चारों तरफ से बांध के रखा है। और ये हमने इसकी नीचे की खुदाई करी है ताकि ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर हमने इसकी खुदाई करी है। तो इसमें हमने खुदाई इसलिए करी है कि इसमें जो जड़ें होती है नींबू के पौधे की वो इसके मेन तने के जस्ट पास होती है, ऐसी इसके अंदर जड़ें होती है। तो ये जड़ें इसके बिल्कुल ही पास में और सटीक साथे होती है तो इनको निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ये मतलब पूरे एक तरह से जाल है, जो जड़ी का जाल है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है और उसकी हमें 3 से 4 सेंटीमीटर में पूरी उसकी खुदाई करनी चाहिए ताकि उसका जो भी जाल है वो निकल जाए। और जाल को हमने अलग से एक रखा है तो इसको हमको वहीं पे नहीं डालना है वापस। जाल आप जब भी तोड़ें इसका तो उसको अलग से हमें इस बास्केट में रखा है तो इसको वापस वहीं नहीं डालना है, कहीं दूर ले जाके डालना है। और ये हम कहीं और से मिट्टी लेके आए हैं, मतलब जो नई मिट्टी हो, जो खाद भी हो मिट्टी भी हो, पुरानी मिट्टी कहीं भी आपको मिल जाएगी तो वो रखी है। और ये हमें बजरी जो हर किसी के हर कहीं पे मिल जाती है वो हमने बजरी ली है। और ये हमने सास जो दही से बनती है वो चास लिए और वो हमने लास्ट में आटा बाजरे का आटा लिया है। तो इन सबको हम कैसे मिक्स करेंगे और कैसे डालेंगे तो आपको हम बताएंगे, हमारे साथ एंड तक बने रहें और हमारा पूरा वीडियो देखा है कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं। और ये जैसे हमारा पौधा है तो इसको हम पूरी खुदाई कर दी है तो अभी हम इसको मिट्टी और बजरी को कैसे मिलाएंगे वो आपको दिखाएंगे। और इसकी पूरी हमें सफाई कर देनी है, नीचे से जो भी जड़ें निकालें आप और पुरानी खुदाई करें उसको पूरा बाहर निकालना है ताकि इसमें कोई भी रोग ग्रसित जड़ें वगैरह सब वो इस पौधे के जस्ट पास ही होती है तो उनको हमें पूरा अच्छे से खुदाई करके और इसको पूरा बाहर निकाल देना है ताकि इसमें कोई भी रोग ग्रसित जड़ें और जड़ों का जो गुस्सा है वो भी पूरा बाहर डालना है, इसको अंदर नहीं डालना है, वापस वहीं पे ये ऐड नहीं होना चाहिए। और ये हम जैसे मिट्टी लेके जा रहे हैं
तो ये हमारी नई मिट्टी जो हम कहीं से भी आपको मिल जाएगी जिसका यूज़ नहीं हुआ हो अभी तक। और ये जैसे बजरी, मूंगिया जो भी आप बोलो उसको, बल्डा वगैरह, ये और मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। मिट्टी और बजरी को अच्छे से मिक्स कर देना है हमें पूरा। उसके बाद हमें ये जो हमने खुदाई करी थी जहाँ से मिट्टी खोद के बाहर निकाला था उसके पास हम ये डाल देंगे। तो ये वापस हमें जितनी हमने वहाँ से खुदाई करी है उतनी हमें वापस से डालनी है, पूरा इसको भरना है, ऐसे गड्ढा नहीं रखना है। तो हमें और पूरा समतल करना है ताकि इसके पास जो भी नई जड़ें होगी वो अच्छी मिट्टी में फूटेगी और अच्छी ग्रोथ करेगा पौधा और हमारे फल और भी अच्छे आएंगे। उसके लिए हमें पुरानी जड़ें और पुरानी वहाँ की मिट्टी वगैरह जो रोग से भरी है उन पूरों को बाहर निकालना है और हमें कहीं दूर लेकर ले जाके जलाना है या फिर आप कहीं भी दूर ले जाके डाल सकते हो। नींबू के जहाँ से नींबू का पौधा है उसके आसपास नहीं डालना है। तो अभी हम ये चास और ये आटा इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। अभी ये स्टेप करेंगे, हम इसको पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर इसके अंदर हम डंडे से, हाथ से, आप कैसे से मिक्स करना है पूरे के अंदर। और जब ये पूरा आटा आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ले सकते हो, जितना आप अच्छी चास आपको ज़्यादा मिले 2 से 4 लीटर उसके अंदर आपको 1 केजी ये बाजरे का आटा डालना है। 1 केजी, आधा केजी भी चलेगा। तो वो और ये चास हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसके अंदर ताकि ये दोनों चास और आटा आपस में मिक्स हो जाए। तो हमें बाजरे का आटा लेना है, बाकी आपको किसी का भी आटा नहीं लेना है। आप गेहूं का ले लो वो नहीं चलेगा, बाजरे का ही लेना होता है, बाजरे का और ये चास दोनों को लेना है। और फिर हम इसको कैसे, ये अभी जैसे पूरा हम भर रहे हैं, अभी थोड़ा और बाकी है और अभी इसको पूरा हम भरेंगे, पूरी मिट्टी नहीं लाएंगे और पूरा ऊपर तक भरेंगे इसको। अभी इतना बड़ा खड्डा नहीं रखना है, मैं जितना हो सके पूरा समतल करना है। और मिट्टी आप कहीं से भी लाएं तो वो अच्छी और स्वस्थ मिट्टी लाएं ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमने जैसे इसको पूरा अभी भर दिया है और अभी हम इसमें सिंचाई करेंगे, पानी की सुविधा। अभी हम इसकी पूरी जड़ें तोड़ी है तो इनके पौधे के जस्ट पास में ही पानी चलाएंगे और इसमें पूरा पानी से ये भर देंगे। सिंचाई हमें पानी कैसा भी हो आपके चलेगा, तो उसमें हमें सावधानी ये रखनी है कि मिट्टी आप जो भी लाएं वो अच्छी लाएं, अच्छी मतलब स्वस्थ मिट्टी लाएं। आप कहीं और पौधे से नीचे से या उखाड़ के ऐसा वहाँ से नहीं लानी आपको, आपके मतलब जहाँ पे उस मिट्टी का यूज़ नहीं हुआ हो काफ़ी सालों से वो मिट्टी लाएं तो सबसे बढ़िया है। वरना आप खेत के बीच की मिट्टी कहीं से भी ले आएं, ऊपर की मिट्टी वो ला के आपको इस तरह से ले आनी है और इस तरह से पूरा गड्ढा भर देना है जो ये पूरा हमने गड्ढा भरा है। और फिर इसके बाद सिंचाई करिए, उससे पहले आप सिंचाई ना करें, इस गड्ढे को अच्छे से भरना है और फिर हमें पानी लगाना है जब तक ये पूरा भर ना जाए अच्छे से। और पूरा पौधे की जहाँ तक कैनोपी मतलब पौधे की जहाँ तक छाया बनती है वहाँ तक हमें अच्छे से पानी लगवाना है क्योंकि कम पानी में फूल भी कम आएंगे और आपकी जो नई मिट्टी आपने डाली है उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमें पूरा इसको भरना है अच्छे से और ये पौधे की जहाँ पे कैनोपी है चारों तरफ से, वो भी इसका थांवला जो बोलते हैं वो थांवला भी हमें पूरा भरना है ताकि इसमें कोई भी पानी की कमी ना हो। और इसके साथ हमें, यदि आपके पौधे में खाद की कमी है तो आप भी इस टाइम भी खाद यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे नहीं डालनी है जहाँ पे हमने मिट्टी डाली है, आप साइड की जड़ों में वहाँ पे आप दे सकते हो।
यदि आपको लग रहा है कि आपने एक दो साल में नहीं दी है तो उसके लिए भी आप दे सकते हो, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती है कि आप नींबू के पौधे को ज़्यादा खाद दें, ऐसा कुछ रोल नहीं है इसका। ये इसका रोल मेन चास और ज़्यादा खट्टी चास होनी चाहिए, जितनी खट्टी चास होगी उतना अच्छा आपका पौधे के फल आएंगे, फूल आएंगे। तो उसके लिए हमें जितनी ज़्यादा खट्टी चास हो वो लें, और उसके साथ आपको बाजरे का आटा उतना ही लेना है जितना आधा केजी है, दो लीटर चास में हमें आधा केजी ये अपने आटा लेना है। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि उसमें कोई भी मिक्स नहीं होगा तो ये बराबर से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें पौधे में पूरा मिक्स कर देना है, अलग से बकेट में या फिर कोई भी आप जो आपके पास उस टाइम साधन होगा उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। और ये हमारे जैसे अभी चास है तो इसको हमें कहाँ डालना है ये भी आपको दिखाते हैं। ये हमने पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और पानी भी हमारा काफ़ी अच्छा लग गया है। तो अभी हमें इसको ये इसके जस्ट ये जहाँ पे हमने नई मिट्टी डाली है वहाँ पे आप किसी भी तरह हाथ से भी डाल सकते हो। हमें इसके पूरा साफ़ कर रहे हैं ताकि इसके अंदर ना रहे, और पूरा आप इसके अंदर डाल दें। चास आपको हर सातवें आठवें दिन खट्टी चास हो तो वो आप इसकी जड़ों के जस्ट पास में डालें, ये जहाँ पे ये पानी लग रहा है वहाँ पे आप खट्टी चास डालें। 7-8 दिन नहीं हो तो 10-15 दिन में एक बार ज़रूर डालें, खट्टी चास ही डालनी है, उसके बाद आटा और नहीं डालना है हमें बाजरे का। और इस तरह से हमारे इस पौधे को, और उसके बाद सिंचाई का हमें ध्यान रखना है, सिंचाई में कोई कमी ना हो और हमारा पौधा पे फूल उतने ही ज़्यादा और अच्छे आएंगे। और सिंचाई का आप बिल्कुल बराबर से ध्यान रखें और पौधे की कटिंग ज़रूर करें।